तो कुत्ते फिल्म आ रही है जो बहुत सारे कुत्तों ने मिलकर एक कुत्ते फिल्म बनाई है कुत्तों के लिए। अरे कट कट, कुछ ज्यादा ही बलगर हो गया। अर्जुन कपूर की एक फिल्म आ रही है मिस्ट्री से भरपूर, कॉमेडी से भरा हुआ, जैसे कि ट्रेलर देख के ही लग रहा है। जो पहला सीन है कॉमेडी से भरा हुआ है और इसी ट्रेलर का जो एंड सीन है वो भी कॉमेडी से भरा हुआ, और वो कैसे कनेक्ट किया हुआ, अमेजिंग। ट्रेलर बहुत अच्छा काटा हुआ है। और इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ राधिका मदान भी है जो कि इस फिल्म में भौंक रही है। इसके अलावा तब्बू भौंक रही है, नसरुद्दीन साहब भौंक रहे हैं, कनकना सेन भौंक रही है। और कनकना जी कहां थे इतने दिन तक, बहुत सारी फिल्मों में दिखे नहीं काफी समय से। और इस ट्रेलर में मुझे एक और शख्स दिखा, अनुराग कश्यप। भाई इस डायरेक्टर को भी ना एक्टिंग का बहुत कीड़ा है। और इस फिल्म को बना रही है टी सीरीज जिसका डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज नहीं मानो, अरे कमीने, मतलब इसने फिल्म बनाई है कमीने, आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छी फिल्म है। इसने ओमकारा भी बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म है ओमकारा, कमीने, ये सब मतलब इनकी करियर की बहुत ही अच्छी फिल्में रही हैं। तो आप उनका क्रेडिट देख के देख सकते हैं कि ये फिल्में भी बिल्कुल उस तरीके से ही ड्रामा है, ड्रामा के साथ साथ क्राइम है, क्राइम के साथ साथ गोलियां गालियां। सो अगर ट्रेलर की बात करें तो अगर आप ओवरऑल ट्रेलर देखेंगे तो कुछ वाव फैक्टर नहीं है कि ट्रेलर में कुछ नया देखने को मिला। हो सकता है कि जो क्रिएटर है या डायरेक्टर है उसने ट्रेलर में उतना कुछ ओपन नहीं किया ताकि ऑडियंस को फिल्म में ज़्यादा सरप्राइजेस मिले। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इस डायरेक्टर की जो पुरानी फिल्में हैं सेम फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी काफ़ी पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। पुलिस वाला भाग रहा है, चोर भाग रहा है, हीरो हीरोइन सब लोग इस पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, और उसी भागने के बीच में पूरा कैओस क्रिएट किया हुआ है। और भाई एज इट इज़ इनकी जितनी पुरानी फिल्मों में रहा है सेम इस फिल्म में भी सब लोग गोलियां चल रही हैं, कट्टे चल रहे हैं, मुँह से गालियां निकल रही हैं, एकदम भरा हुआ है। और ऐसी फिल्मों में ना एक चीज़ अमेजिंग रहता है, डायलॉग्स। मतलब एज ए राइटर और एज ए डायलॉग राइटर ऐसे कैरेक्टर्स को ना डायलॉग देना बड़ा मज़ेदार मतलब पार्ट है, कि मतलब ऑर्गेनिकली ना ऐसे करेक्टर्स को जो निकलते हैं डायलॉग्स वो मज़ेदार ही रहते हैं, फनी रहते हैं, सुन के अच्छा लगता है उनको देखने में। और वैसे करेक्टर के साथ ना इस तरीके डिफरेंट डायलॉग्स चलते भी हैं। इवन ट्रेलर के एंड में भी सेम कमीने का टाइटल ट्रैक डाला हुआ है, टन टना 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 टना। बाकी देखता है 13 जनवरी को ये फिल्में कितना भौंकती है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में।